पब्लिक स्पीकिंग में एक टाइम पर इतना प्रोफेशनलिज्म होता है कि लफ्ज आपके सामने ना बिखरे हुए होते हैं एंड यू आर टॉकिंग एंड यू आर पिकिंग योर वर्ड्स इन योर ओन कॉब्वेब्स। इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म हो जाता है वक्त के साथ आएंगे। बोल बोल आप लोगों का ज्यादातर मसला बोलने का, यू हैवंट स्पोकन मच, और जिस जिस जगह पे जुबान चली नहीं है वहाँ लफ्ज नहीं मिलते। सो इट वाज अ वेरी गुड स्पीच ओवरऑल, अ गुड लेक्चर, बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लुक डाउन, नीचे देख रहे हो ना तो मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आई नो दैट कुछ पार्ट पे यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर, उसमें तुम्हारी नजरें ऑटोमेटिकली नीचे जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये डिटूरिंग है, मतलब ऑफ रोडिंग आप कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा ले गए कि टॉपिक ही घूम गए। आप जब आपका टॉपिक होना चाहिए था विजडम बिहाइंड द प्रोफेटिक हदीस के तीन चीजें क्यों। और ब्रेक के दो तरीके, एक ब्रेक ये होता है कि आप फिजिकल पॉज दें, वो बोरिंग हो जाता है बार दफा, हर एक कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप मटेरियल को लाइट कर देते हैं, एग्जांपल्स दे देते हैं, तो वो हजम, एग्जांपल्स में आपको सोचना नहीं पड़ता बहुत, तो वो जो सेंटेंस होता है वो एग्जाम्पल से और रिलेट करने से, किसी लतीफे से, मजाक से सॉफ्ट हो जाता है और उसको एक ब्रेक मिल जाता है। किसी को देख रहे हो, बात करते हो ऑडियंस में, तुम डायरेक्टली चेहरे पे देखोगे तो मैं उसकी एक्सप्रेशन के ऊपर तुम फोकस करना शुरू कर दोगे, विच इज मेकिंग यू अंडर कॉन्फिडेंट। सही है। सो व्हाट यू लुक एट इज स्लाइटली अबव हिज फेस। ये जो इंसान है, जस्ट थिंक ऑफ एन इमेजिनरी कोन है ऑडियंस के ऊपर, इमेजिनरी कोन को देख रहे हो, ही डज नॉट नो, उसकी डिस्टेंस इतनी है उसको पता नहीं कि डायरेक्टली आप उसे चेहरे पे देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं। वो तो यही समझेगा कि यू आर लुकिंग एट हिम, बट इफ यू गोइंग टू फोकस एट पीपल्स फेशियल एक्सप्रेशंस देन यू गोइंग टू स्टार्ट फॉरगेटिंग योर कंटेंट और मुश्किल होता जाएगा। And if a speaker loses the respectful element in his posture, अगर वो अपनी इज्जत नहीं बना सका ना, वो अपनी बात क्या खाक बनवाए। So you have to come like a lion on a stage. But if and you do not need to look odd and it should be so natural. और ये एक दिन में नहीं आएगा। यू करना, शर्ट को खींचना, पीछे करना, ambling, पैर के साथ यू करना, ये सब it's signs of being nervous. Don't do that. I think the overall is good improvement. हर दफा ये नहीं चलेगा।